जरा कर लेते हैं हिमाचल की। यहां पर बीजेपी ने पूरी तरह अपनी ताकत झोंकी। पिछली बार भी सभी चार सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कराती नजर आई थी। इस बार भी चारों सीटें बीजेपी जीत सकती है, ये एग्जिट पोल में है। यानी कंगना रनौत भी जीत सकती है मंडी से, कांग्रेस यहां जीरो पर ही बनी रह सकती है। हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत मामूली 5% गिर सकता है। पिछली बार 49% वोट मिले थे और इस बार 64% वोट मिल सकते हैं। वो गिराव जरूर है, लेकिन चार की चार सीट हिमाचल की फिलहाल बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। और सबसे हॉट सीट जो थी मंडी, वो भी बीजेपी जीतती नजर आ रही, जहां से कंगना रनौत को मैदान में उतारा गया था विक्रमादित्य के अगेंस्ट। लगातार खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नील गर्ग और महेशेंद्र ग्रेवाल जी के पास मैं नहीं जा पाई थी। नील जी, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर देखिए, जो अभी एग्जिट पोल में दिखा रहा है वो 18% और कांग्रेस पार्टी का 31 हिमाचल की, मगर पहले पंजाब पे मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो वोट परसेंट 18% और 31%, अगर यहां भी गठबंधन हो जाता पंजाब में, तो क्या उस तरीके का कोई फायदा और ज्यादा हो सकता था? गठबंधन ना करके कोई नुकसान हो गया, मान रहे हैं आप ऐसा फिलहाल एग्जिट पोल को देख के? हम बता रहे हैं सर। नील जी, नहीं देखिए मैडम, ऐसा है कि जो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है और जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एग्जैक्ट पोल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि जो असलियत है इससे बिल्कुल दूर है। हम लोगों ने भी ग्राउंड पे काम किया है, इनमें ऐसे ऐसे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जिनको लोग हंस रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो एग्जिट पोल है वो टीवी चैनल वालों के एग्जिट पोल से नहीं मिलता है। इन चैनलों में तो दिखाया जा रहा है कि तमिलनाडु में 34% वोट शेयर मिल रहा है बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को पंजाब में 0-2 सीटें मिल रही हैं, जो गले से नहीं उतरती हैं। क्योंकि पंजाब में हम लोगों ने ग्राउंड पे रहे हैं, 13 की 13 सीटों पे हमने प्रचार किया है, हमने काम किया है, हमने वहां पे देखा है जिस तरीके से लोगों का झुकाव श्री भगवंत मान की गवर्नमेंट की तरफ था, जिस तरीके का लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी के ने जो काम किए हैं पंजाब में, चाहे नौजवानों को नौकरियां देने की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, स्कूलों की बात हो, खेतों में जो नहरों का पानी पहुंचाने की बात हो, इवन आप प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद को सरकारी हाथों में लेने की बात हो। यानी आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा वोट शेयर 31% तो कांग्रेस को जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को उतने नहीं मिल रहे, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं? मैं आपको यही बता रहा हूँ, सबसे पहले तो इंडिया अलायंस गठबंधन की जो सरकार बननी तय है, 295 से ज्यादा सीटें हम लोगों को आने वाली है। यहाँ तक पंजाब का संबंध है, पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें जीत रही है, ये 4 तारीख को आपके सामने हो जाएगा। सर, वो भी तो है साथ कांग्रेस को, आप लोग चलिए वहां गठबंधन नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो साथ है, 1-2 सीट तो उनको भी दे दीजिए सर, अच्छा थोड़ी लगता है? नहीं, आप सुनिए ना मैडम, हम जो हम कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके का आप ये सर्वे दिखा रहे हैं, इस सर्वे से 3-4 चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जा तो, क्योंकि ये सर्वे ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी ने अपने ऑफिस में बना के बैठ के बनाया हो और रिलीज कर दिया गया हो और टीवी चैनल वाले उसको दिखा रहे हो। अच्छा। क्योंकि इसके बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। सर, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए, 2019 में जितना दिखाया था उतना ही मिला, अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो अभी चल रहा है हमने जितना दिखाया उतना ही आ रहा है। सर ठीक है, अनुमान है, कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन आप उसको हमेशा गलत बताइए। अभी सर सुनिए ना, जब विधानसभा में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी जीत रही थी, वहां तो आप हमारे एग्जिट पोल की तारीफ करते हैं, अब जब नहीं जीत रहे हैं तो इसमें खामी नजर आ रही है। सर ऐसे नहीं चलेगा ना, थोड़ा सही सही लगा लीजिए। चलिए खैर, सुनिए सुनिए, 2022 में भी आप लोगों ने पंजाब का सर्वे दिखाया था, हमारे को 50 सीटें दे रहे थे, आई कितनी? वही कह रही हूँ, अनुमान है सर, अनुमान सही गलत हो सकते हैं, और चर्चा इस समय हम एग्जैक्ट पोल पे नहीं कर रहे, एग्जिट पोल पे ही कर रहे हैं सर। एग्जिट पोल जो है, अगर मान लीजिए कुछ अगर ऐसी स्थिति बनती है, सुनिए तो सर, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है पंजाब में, एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं ना सर, एग्जैक्ट पे तो बात कर नहीं रहे, ठीक है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, अनुमान है सर, अनुमानों का क्या है, लेकिन मान लीजिए अगर यही स्थिति रहती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आपसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर दिख रहे हैं, सीटें ज्यादा दिख रही हैं? देखिए मैं पहले भी आपके चैनल पे एक दो बार ये बता चुका हूँ कि लोकतंत्र की ये खासियत है, जहां पे सत्ता पक्ष का होना इंपॉर्टेंट है और विपक्ष का होना ही उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो अलायंस इंडिया अलायंस हुआ जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, वो बीजेपी को रोकने के लिए हुआ, और पंजाब में क्यों नहीं हुआ? बीजेपी किसी में नहीं है, पंजाब में किसी गिनती में नहीं है, ये 3 में नहीं है 13 में नहीं है, यहाँ पे इनकी जीरो आने वाली है। गठबंधन करेंगे पंजाब में, पंजाब में गठबंधन करेंगे पंजाब में,
नहीं, पंजाब में आप कह रहे हैं दुनिया, मतलब आपने देश में जो किया वो बीजेपी को हराने के लिए और खुद के जीतने के लिए, पंजाब में क्यों नहीं किया? मतलब आपका ये कॉन्फिडेंस है कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, वहां कांग्रेस की जरूरत नहीं है, है ना? बिल्कुल, मैं आपको दो चीजें ठीक स्पष्ट बोल देता हूँ कि इंडिया अलायंस की सरकार बननी तय है और पंजाब में 13 जीरो के छोटा सा रिएक्शन जरा ज्योति जी से लेना चाह रही हूँ। ज्योति जी, ये कैसा गठबंधन है? अपना अपना देख रहे हैं, वो पंजाब में कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है इसलिए हमें चाहिए नहीं, आप दिल्ली में उनको जरूरत ही दे दी थी उन्होंने आपको सीटें। चलिए, लड़ाइए नहीं हम लोगों को सर, मैं तो उनकी बात को ही आपसे पूछ रहा हूँ, मैं लड़ाने का काम तो है ही नहीं सर, मैं तो वो तो कह रहे हैं जरूरत नहीं है। वो उत्साह में उत्साह उत्साहित है और उनको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, उस उत्साह में अच्छी बातें उन्होंने किया है। देखिए क्या है कि हम लोग जो लड़ाई लड़े हैं वो बीजेपी एनडीए सरकार को हराने के लिए लड़े, जहां भी जो सीटें जो भी सीटें लोगों ने इस तरह से वोट किए हैं कि किसी भी तरह इंडिया बीजेपी एनडीए गठबंधन और बीजेपी को हराना है, तो जो कैंडिडेट जहां मजबूत हुआ होगा बीजेपी को हराने के लिए लोगों ने वोट किया है। इस हिसाब यानी से पंजाब में कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है, नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं हो लोग पाया। नहीं, आप उसमें मत ले जाइए हमें, मैं कह रहा हूं कि लोग वहां चाहते हैं क्योंकि किसानों का मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा था वहां, इसलिए लोग सर, लोग क्या चाहते आक्रोशन है पंजाब के, लोग ये चाहते हैं कि पंजाब में गठबंधन ना बने। नहीं नहीं, पंजाब लोग ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि किसानों के हक में बीजेपी सरकार को हराना है, बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए तो आप लोग साथ थे पंजाब में, क्या नहीं हराना था इसलिए आप साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बीजेपी के मंसूबे को हराना था, उनकी पॉलिसी को हराना था, इसलिए लोगों ने वोट किया है जहां मजबूत देखा है। मतलब आम आदमी पार्टी मजबूत है पंजाब में, और कांग्रेस को मजबूत देखा तो मजबूत उसको वोट किया है, इसलिए इंडिया गठबंधन वहां जीत रही है, उन्होंने ठीक सर, वहां तो इंडिया गठबंधन है ही नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ बार बार, आप किसको स्ट्रांग कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग थी कि अकेले लड़ ली, या कांग्रेस पार्टी इतनी स्ट्रांग थी कि उसको आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं थी? चूंकि इंडिया गठबंधन के वो पार्टनर है, और हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस अगर आपका कैंडिडेट वहां जहां मजबूत हुआ होगा लोगों ने उनको वोट किया है, अगर कांग्रेस को लगा होगा कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकते हैं ऐसा लगा लोगों को, तो बीजेपी कांग्रेस को वोट किया है, तो ये तो हर जगह लग सकता था। फिर गठबंधन करने की जरूरत क्या थी? आप हर जगह अलग अलग लड़ते, जिसको जहां लगता वहां वोट करते, बाद में साथ आ जाते। ठीक है ना, तो वो तो बीजेपी असफल रही अकाली के साथ करने में, हाँ। तो उसका कोई तो मतलब नहीं है, वो अपना लड़ी है, अकाली अपना अलग लड़े हैं, लेकिन लड़े हैं ना, तो उसमें ये क्या सवाल है? हमारा तात्पर्य है कि बीजेपी को हराना था वहां के लोगों को, और हराने में सफल हुए हैं,